जिसमें आपको हम दिखाएंगे रिएक्ट कर कर यह है दूध, और दूध के साथ आपको हम दिखाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट को रिएक्ट करके, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट सही में मज़ेदार होने वाला है। उससे पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। दूध में होता है लैक्टिक एसिड, अगर दूध के साथ ये रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और वेपर छोड़ेगा, ठीक है। चलिए ये रहा मेरा दूध, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा और डालते हैं। ये रहा, ठीक है, इससे मैं मिलाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं थोड़ा वेट करते हैं। अरे रे रे, ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, अभी आपको दिख नहीं रहा हो लेकिन मुझे दिखा, पता नहीं ये कैसे रिएक्ट कर रहा है लेकिन रिएक्ट तो कर रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अरे बहुत स्लो लगता है, दूध का क्वांटिटी कम था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है कार्बन, ठीक है, और इसके साथ जो ये निकल रहा है ये है वेफर, जिसको हम बोल सकते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन, ये लैक्टिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर निकलता है। तो वाटर देख रहे हैं एवेपोरेट हो रहा है, और ये देखिए आपके सामने, मुझे लगा था ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा लेकिन मैं थोड़ा सा और मिलाता हूँ। ये अजीब सा स्मेल भी कर रहा है। मैंने, ठीक है, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करना ना भूलें।